दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने फीटर एंड फीटर ट्रेड की डिफिनेशन के बारे में बात की थी। अब चलेंगे सेफ्टी के बारे में। दुर्घटना क्या है? दुर्घटना किसी अनिश्चित समय तथा अनजाने में जान और माल की हानि का होना ही दुर्घटना कहलाता है। अब कारखानों, फैक्ट्रियों तथा उद्योगों में दुर्घटनाओं के मुख्य कारण क्या होते हैं, आइए जानते हैं। इस वीडियो को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। उत्सुकता। कई बार कारीगर नई मशीन को अपनी उत्सुकता के कारण चलाने का प्रयास करते हैं और दुर्घटना कर बैठते हैं। इस बात का परहेज रखना चाहिए और ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में अक्सर होती रहती हैं। आसपास का अशुद्ध वातावरण। मशीन के आसपास साफ सुथरा स्थान न होना व अशुद्ध वातावरण का होना दुर्घटना में सहायक है, अतः कार्यशाला में सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि फर्श पर गिरा हुआ तेल, इसके लिए एक स्लोगन बना हुआ है, चलिए देखते हैं स्लोगन। फर्श पर तेल, सुरक्षा फेल। मशीन और टूल की पोजीशन। घिसी हुई मशीनें और कुंद टूल और बिना हैंडल का औजार दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। दोस्तों, चलती मशीन से कभी छेड़खानी नहीं करना चाहिए। कोई कारीगर चलती मशीन में लुब्रिकेंट करेगा या बिना कारण छेड़खानी करेगा तो वह दुर्घटना का शिकार हो जाएगा। मेन बात है अज्ञानता। अज्ञानता मशीन को गलत विधि से चलाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे दुर्घटना हो सकती है। इसलिए मशीन को संचालित करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ज़्यादा विश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस। कई बार मनुष्य अपना ओवर कॉन्फिडेंस के कारण अर्धकुशलता के बाद भी वह सोचता है कि वह अच्छा कारीगर बन गया है और दुर्घटना कर बैठता है। सबसे मेन बात है नॉन इंटरेस्ट, रुचि ना होना। कुछ कारीगर कार्य में ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं, जिससे कार्य गलत हो जाता है या दुर्घटना के कारण बन जाते हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि दुर्घटना से बचने के लिए अपनाई गई सावधानियां हम सब की रक्षा करती हैं या सुरक्षा कहलाती है। सुरक्षा का महत्व। सुरक्षा हमारे डेली लाइफ का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जरा सी लापरवाही से हम अपने शरीर के अंग का दुर्घटना कर बैठते हैं। कभी कभी तो हमें अपना जीवन भी खोना पड़ जाता है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यह सभी प्रशिक्षुओं को हमेशा याद रखना चाहिए, जिससे दुर्घटना कम से कम हो सके। फैक्ट्रियों में सुरक्षा का विशेष महत्व है। सुरक्षा कितने प्रकार की होती है, आइए देखते हैं। अपनी सुरक्षा यानी सेल्फ सेफ्टी, साधारण सुरक्षा यानी जनरल सेफ्टी, मशीनों की सुरक्षा यानी करेंगे तो अपना तथा अपने परिवार का देखभाल तो करेंगे ही, साथ ही देश को भी उन्नति की ओर ले जाएंगे। किसी ने ठीक ही कहा है, जान है तो जहान है, अगर जान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अपनी सुरक्षा हेतु कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, मशीन पर कार्य करते समय कभी भी ढीले ढाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कंपनियों में नंगे पांव चप्पल या खुले जूते पहनकर कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो चिप्स पैरों में लगेंगे। कार्य पूरी लगन, ध्यान, बिना गुस्से तथा इंटरेस्ट से करना चाहिए। इंटरेस्ट होगी तभी आपकी उन्नति होगी। मशीन का कटा हुआ बुरादा हाथ से नहीं बल्कि क्लीनिंग ब्रश से साफ करना चाहिए या हटाना चाहिए। बाल अधिक लंबे नहीं होने चाहिए और यदि हैं तो संभाल कर रखिए, झाड़ कर रखिए। डस्टर या कपड़े की कर्तन आदि से कभी भी चलती मशीन को साफ नहीं करना चाहिए, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। आंखों में हमेशा चश्मा का प्रयोग करना चाहिए। चोट लगने पर तुरंत फर्स्ट एड लेनी चाहिए। फर्स्ट साधारण सुरक्षा। साधारण सुरक्षा है तो कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे बिना जाने किसी मशीन को न चलाएं। मेंटेनेंस के बाद गार्ड उचित स्थान पर लगाकर मशीन चलानी चाहिए। वर्कशॉप में फर्श पर लोहे का बुरादा नहीं बिखरा होना चाहिए। फर्श पर या मशीन के चारों ओर तेल आदि नहीं गिराना चाहिए, नहीं तो दुर्घटना के कारण बन सकता है। कभी भी बिजली के नंगी तारों को नहीं छूना चाहिए। मशीन को बंद करने के बाद कभी भी हाथ से नहीं रोकना चाहिए। प्रत्येक औजार को उचित स्थान पर रखें तथा अनावश्यक औजार को मशीन से हटा दें। मापने वाले औजार को कटिंग टूल के साथ कभी नहीं रखना चाहिए। नेक टाई पहनकर, फटे हुए कपड़े पहनकर मशीन पर कार्य नहीं करना चाहिए। कार्य करते समय मशीन संबंधी चलाने सुरक्षा।
चलिए आते हैं तीसरे नंबर। किसी भी कारीगर को मशीन को अपना संपत्ति मानकर उसकी सुरक्षा व मेंटेनेंस करना चाहिए। जिस मशीन पर कार्य करना हो उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। कार्य करने से पहले मशीन का निरीक्षण कर लेना चाहिए। औजारों तथा अन्य यंत्रों को मशीन से दूर रखना चाहिए। जब मशीन चलती हो तो उसके गियर ना बदले, इससे गियर टूटने की संभावना रहती है। चलती मशीन पर कभी भी किसी यंत्र मापी से माप नहीं लेना चाहिए। बिजली चले जाने पर मशीन के सभी स्विच बंद कर देने चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।